जी। क्या नाम है आपका? ममता। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे सर सांस लेने में तकलीफ थी, खांसी भी थी। ये तकलीफ आपको कब से थी? मुझे आज से 14-15 साल पहले भी तकलीफ थी। मैंने होम्योपैथिक दवाई खाई, बीच में मैं ठीक रही, और मुझे 2-3 साल से फिर ये प्रॉब्लम थी। मतलब 2-3 साल से आपको जो तकलीफ आ रही थी, ये किस क्या तकलीफ हो रही थी आपसे? क्या प्रॉब्लम है? मुझे तकलीफ थी, सांस लेने में तकलीफ, बलगम बहुत ज्यादा थी, खांसी भी बहुत। और सांस जो है वो नाक से लिया जाता था आसानी से? कैसे? मुंह खोलना पड़ता था? कैसे, किस तरह से लिया जाता था सांस? ऐसे लेते थे? और इस तरह से जब ये तकलीफ हो रही थी तो आपने एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया था? हाँ जी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मुझे पंप की सलाह दी, पर वैसे उन्होंने मुझे मना कर दिया दवाई के लिए। अच्छा, आपको ये शूट नहीं कर रहे। अच्छा, उन्होंने आपको दवाइयाँ शुरू करी थी पर आपको उससे फायदा नहीं हुआ? नहीं, उससे ज़्यादा तकलीफ हुई, उससे तकलीफ बढ़ गई। मतलब पंप लेने के बाद आपकी तकलीफ और बढ़ गई थी? हाँ जी। और उसके बाद में फिर आपने एलोपैथिक दवाइयाँ कोई नहीं ली थी? नहीं सर। तो आप कहाँ रहते हैं? हिमाचल। तो यहाँ क्या आपको कैसे पता लगा? मेरी भांजी सनिया है सर, वो आयुर्वेदिक डॉक्टरी सीख रही थी, उसने बताया मुझे। अच्छा, तो जब आप हमारे पास आए तो उस समय आपकी कंडीशन कैसी थी? उस समय सांस लिया जाता था? नहीं चल सकते थे कि नहीं? अच्छा, मुझे चलने में भी बहुत तकलीफ थी और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ थी। मैं आपके पास आई तो चलते समय क्या तकलीफ होती थी? चलते समय सर मेरे से सीधा खड़ा भी नहीं होता। अच्छा, मतलब दीवार पकड़ के ऐसे चलना पड़ता था। इतनी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और बलगम या छाती में आवाज़ आना बहुत ज़्यादा आती थी? बहुत ज़्यादा थी। और रात को सो पाते थे कि नहीं? नहीं सर। सारी रात कैसे बैठे? बैठ के काटते। नींद आती थी कि नहीं आती? नहीं आती थी। तो जब हमने आपका पंचकर्म चिकित्सा का इलाज शुरू किया, उसके बाद आपको क्या क्या राहत महसूस होनी शुरू हुई? मुझे सांस लेने में भी ठीक रहा और रात को नींद भी अच्छी आई। रात को नींद अच्छी आनी शुरू हो गई थी और सांस लेने में भी अब दिक्कत नहीं होती है। और अब ये इलाज हुए भी मेरे ख्याल 2-3 महीने हो चुके हैं। पिछले साल भी आपने? पिछले साल भी मैंने करवाया था। पिछले साल जब हमने करवाया था तो उसके बाद कितना समय बिल्कुल ठीक रहा था? 7-8 महीने बिल्कुल निकल गए थे। कोई पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी? उसके बाद दोबारा आपको दूसरा साइकिल लेने के लिए बोला था। तो जब वापस आपने दूसरा साइकिल लिया और दोबारा तकलीफ शुरू होगी तब आप दोबारा वापस आए थे। तो जब दोबारा ट्रीटमेंट आपका किया तो अब भी मेरे ख्याल 3-4 महीने हो चुके हैं। तो अब ट्रीटमेंट बंद हो चुका है, दवाइयाँ नहीं चल रही हैं अब आपको, अब आपको कैसा महसूस होता है? अब मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। रात को सोने में कोई दिक्कत? नहीं सर। सांस लेने में कोई दिक्कत? अब तो सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी के मौसम में तकलीफ बढ़ जाती थी। इस समय अब तकलीफ कैसी है? अब इस समय बिल्कुल ठीक है। कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, कोई छाती में आवाज़ नहीं आती है, बलगम नहीं निकल रही है कुछ। लोगों का मानना है कि आयुर्वेदा अच्छे से काम नहीं करता या आयुर्वेदा बहुत स्लो है, तो जो लोग इस प्रॉब्लम के साथ फाइट कर रहे हैं, आप क्या सजेशंस देना चाहोगे? नहीं सर, आयुर्वेदिक काम करता है। हाँ जी, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो ये दवा लेने के बाद किसी तरह का कोई और नुकसान नहीं हुआ ना आपको? नहीं सर। वो लेने के बाद तो आपको नुकसान हुआ था? हाँ जी। ठीक, थैंक यू।